नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं आज की वायरल खबर पर। शादी वाले दिन लोग कुछ ऐसे यादों को समझौते हैं जिसे लोग जिंदगी भर याद रखें। कुछ ऐसा ही करने के चक्कर में दूल्हा दुल्हन ने अजीबोगरीब स्टंट करने का सोचा। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए नवविवाहित कपल ने खुद को आग लगा ली और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आग लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। हालांकि कपल ने अपनी शादी के रिसेप्शन एरिया से बाहर चौंकाने वाला स्टंट किया जिसमे जानबूझकर खुद को आग लगाया। हॉलीवुड फिल्मों के सेट पर स्टंट करने वाले पेशेवर स्टंटबाज गेवे जेसो और अंबीर बम्बीरा एक दूसरे से मिले वेडिंग रिसेप्शन में। दूल्हा दुल्हन द्वारा किया गया स्टंट एक वीडियो जो कि डीजे और वेडिंग फोटोग्राफर रॉस पॉवेल द्वारा टिकटॉक पर पोस्ट किया गया। वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन में लिखा है, जब स्टंट लोग शादी करते हैं। वीडियो में फूलों का एक जलता हुआ गुलदस्ता लहराता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन की पीठ पर आग फैल गई। इस दौरान वह मेहमानों के सामने हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए। नवविवाहित कपल पूरे स्टंट के दौरान शांत रहे और आखिरकार एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां वे दोनों ने आग के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद आग बुझाने वाले दो लोगों ने आग की लपटों को बुझाया। पॉवेल ने कहा, प्रशिक्षित पेशेवर इसे घर पर न आजमाए। कपल के बालों में आग लगने से लोग परेशान थे। इस पर पॉवेल ने समझाया कि उन दोनों के बालों और चेहरों पर एंटी बर्नर जेल था, फिर उसके ऊपर एक विग थी। टिकटॉक पर इस वीडियो को 13 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। तो ये थी आज की वायरल खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।